महिला विकास स्वयं रोजगार बहुद्देशीय संस्था द्वारा मनीष नगर में नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट शॉपिंग एक्सपो एंड एम्यूजमेंट पार्क का आयोजन किया गया, जिसका जायजा बीसीएन टीम ने लिया है। लॉकडाउन के चलते पिछले कुछ महीनों से सारे कारोबार ठप पड़े हैं, जिसके चलते रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला विकास स्वयं रोजगार बहुद्देशीय संस्था द्वारा मनीष नगर में नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट शॉपिंग एक्सपो एंड एम्यूजमेंट पार्क का आयोजन किया गया है, जिसके चलते छोटे दुकानदारों को फायदा मिल रहा है। वहीं लॉकडाउन के कारण बहुत महीनों से लोग घरों में हैं, जिसके कारण उन्हें बोरियत हो रही थी, और इस बोरियत का निवारण करने के लिए यह एक्सपो एक बहुत अच्छा माध्यम हो गया है, ऐसा खुद ग्राहकों का कहना है। इस एक्सपो में किस तरीके से सारी चीजों का आयोजन किया गया है, उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। महिला विकास बहुद्देशीय संस्था द्वारा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एंड शॉपिंग एक्सपो का आयोजन मनीष नगर में किया गया है। यहाँ पे किस तरीके से सारी चीजें हैं, किस तरीके से ये एक्सपो है, यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती है, साथ ही अम्यूजमेंट पार्क में बच्चों के लिए क्या क्या है, ये सारी चीजों का आज हम जायजा लेंगे। अच्छा रेस्पॉन्स है, हमको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और मैडम ने भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स किया, अच्छे से बनाया, हमको बहुत अच्छा लगा। ग्राहक भी देखिए जितना भी आ रहा ना, सबको बहुत मिल रही है, अच्छा बेनिफिट भी ज़्यादा हो रहा है, अच्छा। ये एक्चुअली मशीन का है, और वैसे स्वयं रोजगार है ना, उद्योग ज़्यादा है इसमें, यानी घर में मशीन लो और अपना काम चालू करो, पैसे यानी रोज से पैसे मिल रहे हैं, कैसे काम जैसे जैसे चालू होगा वैसे वैसे काम वैसे वैसे पैसे मिलते हैं। ओके, स्टॉल पे अगरबत्ती है, दो प्रकार की अगरबत्ती है, रुबान है और एक ये पैकेट है दूध की, ये तीनों और कॉम्प्लेट वाले। सबसे बड़ी तो मैं ये इवेंट मैनेजमेंट जो है जानवी इवेंट मैनेजमेंट को बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी दिया है, जिसके वजह से छोटे छोटे लोग अपना उद्योग लेकर बैठे हैं, हम भी यहाँ पे प्लॉट के बिजनेस के साथ बैठे हैं, हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी तो जस्ट शुरू हुआ है मैडम, धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, जैसे लोगों को और पता चलेगा, और लोग मतलब आ रहे हैं देखने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे झूले वगैरह सब अवेलेबल है, तो अपने हर रोज के जो जीवन में से थोड़ा सा समय फैमिली के लिए देते हुए लोग अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और धीरे धीरे अभी ज़्यादा लोग आने शुरू हो रहे हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ नए प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में नए आते हैं, तो एक लोगों को मतलब जानने के लिए प्रोडक्ट का रिस्पांस कैसे आता है लोगों से, तो वो जानने के लिए अगर ये जगह बहुत अच्छी रहता है, ये प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे लोग जैसे मार्केट में अपन इतना लोगों तक नहीं पहुँच पाते जितना एग्जीबिशन में पहुँच पाते, तो एक रास्ता होने के कारण बहुत ज़्यादा लोगों का इम्प्रेशन आता है इसमें, तो फिर अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, तो हम एक एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट को लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए मार्केट में, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऐसे होने को चाहिए। शॉपिंग तो अभी करने के फिलहाल, मेरा बच्चा बोल रहा था कि पहले झूले चढ़ते हैं फिर उधर गए फिर अभी शॉपिंग, सेफ्टी मेजर सैनिटाइजेशन हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रेंस में, आफ्टर दैट फिर वो खुद के मास्क वगैरह पहनो, सब कुछ अच्छा है ना, ऐसा कुछ स्पेशलाइज नहीं है, सब कुछ एज कम्पेयर मार्केट यहाँ पे सेम प्राइस वैल्यू जो है ना कुछ ज़्यादा कॉस्ट का ही ऐसा होता है ना कि ऐसा मेला लगा हुआ है तो उसका कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ ऐसा कुछ मुझे नहीं समझ है ना, लगा नहीं, रीजनेबल रेट से हाँ सर, यहाँ पे कैसे हमको सब डिस्ट्रीब्यूशन में सब अच्छा मिल रहा है, कस्टमर भी आ रहे हैं, बिक रहा है अच्छा, हमारा इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। हाँ जी बिल्कुल, हम लोग आधे घंटे से हैं यहाँ, वो एक ये ट्रेन जो है वो एक अच्छा है, रोलर कोस्टर राइड है वो भी अच्छा है, फिलहाल भीड़ कम है तो ओके, लेकिन जब भीड़ बढ़ेगी तो बताऊँ कैसा होगा, थोड़ा सा जगह कम है बस। हाँ हाँ सैनिटाइजेशन किया है, एंट्री में ही किया है सैनिटाइजेशन और टेम्परेचर चेक, एक्चुअली गुड चालू किया है थोड़ा बहुत तो, लेकिन है कि एक लिमिटेड नंबर रखना चाहिए एंट्री का, तो शायद ठीक होगा। महिला विकास बहुद्देशीय संस्था द्वारा ये मनीष नगर में एक्सपो आयोजित किया गया है, जहाँ पे हमने जाना कि ग्राहकों का प्रतिसाद कैसा था, साथ ही दुकानदारों का प्रतिसाद यहाँ पे कैसा था, ग्राहकों से हमें ये राय देखने को मिली कि यहाँ पे सैनिटाइजेशन बराबर हो रहा है, वही दुकानदारों का कहना था कि ग्राहकों का उनको अच्छा खासा प्रतिसाद मिल जाएगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ मैं दिशा एडवार, बीसी न्यूज़ नागपुर।